जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 24 पर। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट सेशन में। आप सभी लोग जानते हो एग्जाम आप कोई भी दे रहे हो, एसएससी का, चाहे वो सीजीएल की बात करें मेंस लेवल पे, स्टेनोग्राफर की बात करें, एमटीएस की बात करें, सीएचएसएल की बात करें या सीपीओ की बात करें, सबका लेवल लगभग सेम है। अगर आप एग्जाम्स के नाम को देखकर उलझे रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो जहां तक मुझे लगता है ना, आप परेशान रहेंगे। जब भी आपको कॉन्सेप्ट सीखने का मौका मिले तो एग्जाम्स के नाम को भूलकर बस सीखने का प्रयास करो। अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाते हो, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, टीचर की बात को सुनते रहते हैं, टीचर्स ने जो पीडीएफ दी उसके बारे में डिडोरा पीटते रहते हैं, लेकिन खुद के नोट्स नहीं तैयार करते हैं। आपने अगर खुद के नोट्स तैयार नहीं किए तो ये आपके लिए भी नुकसानदायक रहेगा। अपने नोट्स जरूर बनाओ, क्योंकि आपको खुद को पता है कि आप किन चीजों में अच्छे हैं, किन चीजों में अच्छे नहीं हैं। आप जिसमें अच्छे हैं उसके नोट्स आप नहीं बनाइए, जिन चीजों में अच्छे नहीं है उन पर काम करिए। और यही है अपने ऊपर काम करने का तरीका। अपने ऊपर काम करोगे तो आप एग्जाम्स में अच्छा कर सकते हो। बात करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ओ आंसर दिख गया। अब दिख गया है तो फिर क्या करें, दिख जाने दो। व्हाट इट वंडरफुल इज कुकिंग स्मेल, इज कुकिंग स्मेल, इज कुकिंग स्मेल्ड, आर यू कुकिंग स्मेल्ड, आर यू कुकिंग स्मेल्स। देखो कौन सा वर्ड यूज करेंगे। आपके अगर नोट्स कंप्लीट है तो उनको रिवाइज करना कभी मत भूलिए, उनको रिवाइज भी करते रहिए, यह भी बहुत जरूरी है। पीडीएफ सबको मिलता है मेरी क्लास का, थोड़ा बहुत लेट लपेट हो सकता है लेकिन मिलता सबको होगा। अगर किसी को कभी पीडीएफ ना मिल पाया करे तो मेरे को इंडिविजुअल मैसेज कर दिया करो। इसमें देखो आंसर जब दिख ही गया था तो बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप क्या पका रहे हो, इसकी स्मेल, इसकी महक, इसकी एरोमा बहुत अच्छी आ रही है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर ए मील, वी डिसाइडेड टू अबैंडन आवर ट्रिप्स एज वी हैड मनी लेफ्ट। देखो हमारे पास बहुत थोड़ा सा धन बचा था, बहुत थोड़े से पैसे बचे थे और उसके लिए हम यूज करेंगे ए लिटिल। अब जो थोड़ा बहुत पैसा बचा उससे हमने क्या खाने का सोचा, हमने सोचा कि चलो यार इससे हम खाना खा लेते हैं। थोड़ा सा पैसा बचा उसके लिए हम यूज करेंगे आ लिटिल, थोड़ा या कुछ, क्या यूज करेंगे आ लिटिल। अब हमने क्या डिसाइड किया, भाई पैसे हो गए खत्म, यात्रा बंद करने की सोच ली। अब मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, लिटिल का मतलब होगा ना के बराबर, भाई घर तो पहुंचना है ना। जो थोड़ा बहुत ना के बराबर पैसा बचा हुआ है, यात्रा खत्म करो, बाद में भी कर लेंगे, पहले घर पहुंचते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, प्लीज राइट टू मी दिस एड्रेस। मनी के लिए कभी फ्यू नहीं आता है, फ्यू आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए, और मनी को अनकाउंटेबल नाउन मानते हैं। जितने लोग देख रहे हैं उतने लोग तो एटलीस्ट लाइक कर लीजिए, आप लोगों से तो ये उम्मीद करते ही है कि बिना कहे आप कर लेंगे। फ्यू का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं और मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी फ्यू, ये फ्यू, द फ्यू नहीं आएगा। प्लीज राइट टू मी एट दिस एड्रेस, टू दिस एड्रेस, ऑन दिस एड्रेस। तो इस कंडीशन में यूज करते हैं जब हम किसी के एड्रेस की बात करते हैं, टू दिस एड्रेस, इस एड्रेस पर आपको लिखना है, क्या यूज करेंगे, टू
टू दिस एड्रेस। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप लोग इसका जवाब दे सकते हो। हाँ, मनी अनकाउंटेबल है, था और हमेशा रहेगा। आई हेट हिम फॉर द सिंपल रीजन दैट ही कीप्स सिंगिंग हिज ओन प्रेजेस कॉन्टिन्यूअली टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। उसे नफरत करने का एक ही वजह है कि वो अपनी ही तारीफ करता रहता है। ही इज एन इरिटेटिंग, ही इज अ रियल बिकॉज फॉर एनीथिंग ही डज ही ऑलवेज एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न, अ सेल्फिश पर्सन इंडीड। मतलब वो केवल अपनी तारीफ करता रहता है, जब भी उससे मिलो तो अपनी ही बात करता रहेगा, तो उनकी नजर में वो एक सेल्फिश पर्सन है, इस वजह से लोग उससे नफरत करते हैं। पोजर मिसेंथ्रोप, पोजर इगोटिस्ट, इगोटिस्ट मिसेंथ्रोप, इगोटिस्ट और इगोइस्ट। भाई जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो, जो घमंडी हो, जो स्वार्थी हो, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? इगोटिस्ट, इगोइस्ट, जो सिर्फ अपनी ही बात करता रहे। ईगो पोजर नहीं, पोजर का मतलब होता है जो इंसान अपने आप को हमेशा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे। यहां रिप्रेजेंट करने की बात नहीं हुई है, यहां बात हुई है कि वो केवल अपने आप की तारीफ करता है, सिर्फ अपनी सेल्फ प्रेज पर्सन है, सेल्फ प्रेजिंग पर्सन है, अपनी तारीफ करता है। और हमेशा अगर किसी के लिए कोई काम करता है तो ये उम्मीद करता है कि वापसी में उसे कुछ जरूर मिलेगा, मतलब बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं करता वो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है। ऑन ट्यूजडे इट्स कार्निवल, एवरीबॉडी गेट्स ड्रेस्ड अप इन अ फैंसी कॉस्ट्यूम, सो वी विल मीट एट जॉन्स हाउस इज अबाउट कपल ऑफ किलोमीटर्स अवे। मिसेंथ्रोपी का मतलब होता है परोपकारी, मिसेंथ्रोप इन द सेंस परोपकारी। विच, वेयर, वेयर, वेन, वेन, वेयर, वेन, विच। On Tuesday it is the carnival, everybody gets dressed up in a fancy costume, so we will meet at John's house is about a couple of kilometers away। Last वाले में तो which आएगा confirm है, क्यों? क्योंकि घर की बात की गई, उस घर पर सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो घर उस function से एक किलोमीटर दूर है, तो last वाले में तो which आएगा, ये confirm है। और last वाले में which आएगा तो सब खल्लास, सब खत्म, क्योंकि किसी और में बाद में विच है ही नहीं। मिसेंथ्रोप मानव जाति से घृणा करने वाला। अच्छा, फिलेंथ्रोप परोपकारी होता है, सॉरी फिलेंथ्रोपी होता है, फिलेंथ्रोप होता है परोपकारी, और मिसेंथ्रोप मतलब जो मानव जाति से नफरत करे। आई अपोलोजाइज, सॉरी अबाउट दैट। फिलेंथ्रोप परोपकारी और मिसेंथ्रोप मानव जाति से नफरत करने वाला। डन। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देखो। स्टूडेंट पार्किंग शुड बी, स्टूडेंट शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स, फाइंड फ्री कॉस्टली चीप। क्या कह रहा है? स्टूडेंट पार्किंग शुड बी, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी चार्ज टू बाई पार्किंग स्टिकर्स। स्टूडेंट्स के लिए जो पार्किंग है वो फ्री होनी चाहिए, और उनको फोर्स ना किया जाए कि वो पार्किंग के लिए जो अमाउंट लगता है उसका चार्ज उनको देना पड़े। नॉट टू बी चार्ज आया है ना, क्योंकि बाद में तो मेरे पास नॉट टू बी है, और नॉट टू बी के सेंस में हम फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इफ यू हैव रोजेस
ग्रोइंग इन योर गार्डन यू कैन मेक अ लवली ऑफ फ्लावर्स एट होम। क्या बना सकते हो आप? आपके घर में अगर गार्डन है, फूल है, तो आप उससे क्या बना सकते हैं? आप उससे बना सकते हो बुके, और बुके की स्पेलिंग बी ओ यू क्यू यू ई टी, बी ओ यू क्यू यू ई टी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये क्या कह रहा है। The of the middle school is a woman of principles, principal, principals, principal, 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 principals. ध्यान देना जरा, शब्दों में उलझ मत जाना। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापिका या मुख्य अध्यापक। वो कैसी लेडी है? सिद्धांतों वाली लेडी है। इस प्रिंसिपल का मतलब होता है प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापक, और इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? सिद्धांत वाला व्यक्ति। कैसा व्यक्ति? सिद्धांतिक व्यक्ति। नहीं, प्रिंसिपल, पहले तो हम प्रधानाचार्य, प्रधान अध्यापिका की बात करेंगे ना। विमन है तो पहले तो प्रधान अध्यापिका की बात करेंगे, बाद में हम उसकी बात करेंगे। वो सैद्धांतिक लेडी है, सिद्धांतों वाली लेडी है वो। देख रहे हो विनोद, कैसे स्टूडेंट अपने ऑप्शन बदल रहे हैं। नेक्स्ट, With the changing times, most of the students have become business-like. They are and want to take only those courses which they find rewarding. Idealistic, pragmatic, enthusiastic, or partial. With the changing times, most of the students have become business like they are and want to take only those courses which they find rewarding. देखो, अब हम लोग बहुत सोच विचार के काम करने लग गए हैं। जिसमें अपना फायदा हो वो चीज हमारी है, जिसमें हमारा फायदा नहीं है वो ना हमारी है, ना होगी, ना कभी हम उसको अपना होने देते हैं। तो क्या कहेंगे? प्रैग्मेटिक। बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं हम लोग। प्रैग्मेटिक इन द सेंस प्रैक्टिकल, हम लोग हो गए प्रैक्टिकल, कि जो चीज हमारी है बस, जिसमें हमारा फायदा है उसी की चर्चा करेंगे। तो आइडियलिस्टिक नहीं, एंथुजियास्टिक नहीं, पार्शियल नहीं। पार्शियल मतलब आंशिक, कम। हाँ, व्यवहारिक कह सकते हैं, प्रैक्टिकल कह सकते हैं, कि हर चीज के बारे में जज करने के बाद उसमें हम टच करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, जॉन्स सेट इंस्टीट्यूट स्टडींग फ्रेंच, दे आर बिल्डिंग स्कूल एट द एंड ऑफ आर स्ट्रीट, डू दे लिव इन यूनाइटेड किंगडम और समवेयर एल्स। दूसरे वाले में तो ब्लैंक ही नहीं है, दूसरे वाले में ब्लैंक ही नहीं है, तो कैसे वहां ब्लैंक की बात करेंगे हम? चलो, पहला और तीसरा ही भर लीजिए आप।
जॉन्स सेट एट द इंस्टीट्यूट, पहले में तो द आ जाएगा, एट एन इंस्टीट्यूट दिया गया है, एन इंस्टीट्यूट कर लिया, इसमें तो ब्लैंक ही नहीं है, और यूनाइटेड स्टेट के साथ द आएगा, ये तो कंफर्म है। एक क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है कि यूनाइटेड स्टेट के साथ तो द आएगा, ये फिक्स है, बाकी चीजें अपनी वोलेटाइल हैं, चेंज होती रहेंगी। अगला क्वेश्चन, द पीपल लुक्ड वेल इनफ बट व्हेन वन लुक्ड मोर क्लोजली वन सॉ दैट देयर फेसेस वर फिल्ड विद डिस्पेयर एट फर्स्ट लुकिंग एट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन फर्स्ट साइट एट फर्स्ट साइट। जैसे होता है ना, पहली नजर में सब अच्छे लगते हैं, जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, फिर लोग का असली चेहरा सामने आने लगता है। वो गाना है ना, पहली नजर में कैसा जादू कर गए, फिर मिले तो ठग ले गए, ऐसा कुछ है ना। और पहली नजर के लिए किसका यूज करेंगे, एट फर्स्ट साइट, क्या यूज करेंगे, एट फर्स्ट साइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ही वॉज एश्योर्ड बाई हिज फ्रेंड्स एवरी टाइप ऑफ हेल्प इन एन इमरजेंसी बाई ऑफ विद अबाउट। अरे हम किसी और का गाना क्यों कॉपी करेंगे, हम तो अपना गाना बोलेंगे ना, हम किसी और के गाने को थोड़ी ना कॉपी करेंगे। ऑन नहीं होता है, एक वर्ड है ना, लव एट फर्स्ट साइट, लव एट फर्स्ट साइट फिक्स फ्रेज है, वो पहली नजर के लिए, पहली नजर की इंग्लिश ही है एट फर्स्ट साइट। Assured, he was assured by his friends of every type. क्योंकि assured के साथ यहां पर क्या आना चाहिए, of. Assured के साथ fixed preposition of आती है, तो he was assured by his friend of every type of help in emergency. हे कैमरा चाचा, तुमको का दिक्कत है, काहे तुम आंख मिचौली खेलते हो मेरे साथ। नेक्स्ट, द वर्क ही लेफ्ट हिज ऑफिस हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग बीन कंप्लीटेड, ऑन बीइंग फिनिश्ड, हैविंग बीन ओवर। इसमें देखो द वर्क, अब वर्क कैसा है, नॉन लिविंग। जब भी हम नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाएंगे, अगर हमने नॉन लिविंग को सब्जेक्ट बनाया तो वो सेंटेंस कैसा रहेगा, वो सेंटेंस आपका रहेगा पैसिव में, और पैसिव में रहेगा तो द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड, क्या आ जाएगा, द वर्क हैविंग बीन कंप्लीटेड। ठीक है, नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आर मंथली एक्सपेंडिचर बाय 500 रुपीज व्हेन वी डिसाइडेड टू बाय मिल्क फ्रॉम द मिल्कमैन। ऑप्शन है सॉर्ट अप, गॉट अप, लिफ्टेड अप, ग्रू अप।
आर मंथली एक्सपेंडिचर बाई 500 रुपीज, 500 रुपए बढ़ गया जब हमने क्या डिसाइड किया कि मिल्क मैन से मिल्क लेंगे, सॉर्ट ऑफ किसी चीज में बढ़ोतरी होना, किसी चीज का बढ़ जाना, गॉट अप नहीं, लिफ्टेड अप नहीं, ग्रो अप नहीं। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। शी वॉज नॉट अ मैन इंटेलिजेंस लैकिंग ऑफ डिवॉइड ऑफ एबसेंट ऑफ एम्प्टी ऑफ। She was not a man intelligence devoid of, मतलब उसके अंदर नॉलेज की कोई कमी नहीं है, नॉलेज में वंचित नहीं है, नॉलेज से दूरी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन, इट इज बाई द इंटरनेट यूजर्स लैकिंग ऑफ किसी वस्तु में कमी होना, लैकिंग ऑफ किसी वस्तु में कमी होना, और जब कोई क्वालिटी आपके अंदर ना हो उसके लिए डिवाइड का यूज करते हैं। बच्चा फंस गए ना। Google is one of the most popular search engines. It is utilized. It is utilized by the internet users. Next, Raj was tired of Pooja's approach, so he asked her to make her final decision by that evening. Silly Willy, Dilly Dally, Wasting, or Dilly Nally. एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं डिली डैली, जिसका मतलब होता है बेकार का टाइम बर्बाद करना किसी चीज में, ना हाँ ना ना, कुछ डिफरेंट ही नहीं करना। नेक्स्ट, रिया इज एट स्पीकिंग लैंग्वेजेस, इट इज डिफिकल्ट टू ओनली वन पपी फॉर एनिमल शेल्टर। किसका बता तो दिया था मीनिंग, कुछ भी कंफर्म ना करना, फालतू की बात करना। रिया इज, जब हम कुशलता की बात करेंगे, ये तीन वर्ड होते हैं। एक होता है एडेप्ट, जिसका मतलब होता है स्किल्ड। एक होता है एडॉप्ट, जिसका मतलब होता है अपनाना या गोद लेना। एक होता है एडेप्ट, जिसका मतलब होता है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना, किसी चीज के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो यहां पर क्या आ जाएगा, वो लैंग्वेज स्पीक करने में अच्छी है तो एडेप्ट होना चाहिए, दूसरे वाले में ऑप्शन नहीं है। ओनली वन डिफिकल्ट टू यहां पे होना चाहिए था तो एडॉप्ट आ जाता।
वो एडॉप्टेशन जो पॉलिसी अपनाई गई थी ना उससे रिलेटेड है इसका। कोई बात नहीं, दूसरा ब्लैंक हमने बना दिया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। स्कूल डेज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। व्हेन माय ईयर इन स्कूल बिगेन, आई बिगेन टू थिंक ऑफ दोज पास्ट इंजॉयबल डेज एंड ऑफ माय फ्यूचर ऑल्सो। पेनल्टीमेट, एब्सोल्यूट, इंटीग्रल और टर्मिनेट। सी होगा, किसमें सी होगा, इसमें कौन सा वाला सी कर रहे हो आप लोग? तो हमने गलत लिख तो सही दिया था ना, लिखा तो सही होगा ना। ऑप्शन छोड़ो, हमने एक के अकॉर्डिंग ऑप्शन बता दिया था। अरे सिर्फ एक के ऑप्शन अकॉर्डिंग ऑप्शन बनाया था उस टाइम, दूसरा ब्लैंक नहीं दिख रहा था, फिर हमने लिखा सही होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाँ, इसका जवाब दीजिए। हाँ, इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा। स्कूल डेज आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ईयर्स। अब कह रहा है ना स्कूल डेज उसके बेस्ट ईयर्स थे। अब जब स्कूल से उसको बाहर निकलने की बात आई ना, टर्मिनेशन वाली बात आई, स्कूल का टाइम खत्म हो रहा है उसका, अब उसको पास्ट के इंजॉयबल डेज के बारे में याद आ रही है, अब वो उनको याद कर रहा है। पेनल्टीमेट का भी मतलब होता है किसी चीज का अंत समय आ जाना। एब्सोल्यूट, कंप्लीट, इंटीग्रल का मतलब होता है एक करना, जोड़ना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देर इज द अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स। ऑप्शन है निग्लेक्टिंग, नेग्लिजेंट, नेग्लिजिबल और नेग्लेक्टेड।
देयर इज अ अमाउंट ऑफ फैटी एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन सम ऑफ द इंपोर्टेड चॉकलेट्स, क्या यूज करेंगे? नेग्लिजिबल भाई, कुछ चीजें इंपोर्टेंट चॉकलेट, इंपोर्टेड चॉकलेट जो होती है ना, उनमें ना के बराबर, मतलब जिसको हम नकार सकते हैं, छोड़ सकते हैं, उसको माइंड नहीं करना है, इतना कार्बोहाइड्रेट्स और फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, एंड नॉट एज सक्सेसफुल सी इज, ये सुबह ही कराया था। प्रिया रंजन, आपका किस आईडी से, आपका यूजर आईडी क्या है वो बता दीजिएगा, और आपने कब ज्वाइन किया था वो बता दीजिएगा। देखो लाइव क्लास में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, हेल्प तो वही करेंगे आपकी, मैं अपनी टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, वही लोग हेल्प करेंगे आपकी। तो एज और एज का ही पेयर बनता है आपके सामने, तो क्या आ जाएगा, एज के साथ पॉजिटिव डिग्री और फिर से हम एज का यूज करेंगे, तो एज सक्सेसफुल एज। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, मेनी तमिल स्पीकिंग श्रीलंकन्स फ्रॉम द आइलैंड टू एस्केप द मिलिट्री एंड इट्स एट्रोसिटीज, ऑप्शन है फ्लॉन फ्ली फ्लीट फ्लू, 17 जुलाई को ज्वाइन किया था, आज आपको याद आ रहा है, 11 दिन होने के बाद में आज आपने कोर्स को ओपन किया है, इससे पहले चलता रहा या आज ही दिक्कत आ रही है? लोग दूसरों के अत्याचार, एट्रोसिटीज का मतलब होता है अत्याचार, दूसरों के अत्याचार, दूसरों की परेशानियों से बच निकलना, तो एट्रोसिटीज तो हो गया अत्याचार, और इसके लिए क्या यूज करेंगे, पास्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये कंप्लीटेड एक्शन है, ये पास्ट का कंप्लीटेड एक्शन है। नेक्स्ट, द न्यू सफारी स्टोर महिंद्रा हैज मोर लीवरेज इन इंक्रीजिंग द सेल्स, ऑप्शन है बिड एट ऑन इन, इसमें क्या यूज करेंगे आप? मतलब उससे पहले चल रहा था, अब नहीं चल रहा है, मैं जो पूछना चाह रहा हूं उसकी बात बताइए, कभी भी कोई सवाल करे तो घुमा फिरा के, मैंने ये नहीं पूछा कि आपका एक्सीडेंट हुआ था या नहीं हुआ था, ये नेगेटिविटी कभी किसी के सामने मत रखा करो, ये जिंदगी के हिस्से हैं, अपना ख्याल रखो, अपनी जिंदगी को सेफ्टी आप दे सकते हो, अपनी जिंदगी को सुरक्षा आप दे सकते हो, हम सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकते हैं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा आपके साथ क्या दिक्कत थी, मैंने पूछा सिर्फ इतना कि आपने 11 दिन से ओपन किया था या नहीं किया था, कितने दिन से नहीं चल रहा है वो बताइए आप। इसके साथ क्या यूज करेंगे भाई, किसी के साथ कोई उसका पर्सनल एसेट आ रहा है तो क्या यूज करेंगे, विद द न्यू सफारी स्टॉर्म, विद द न्यू सफारी स्टॉर्म। नेक्स्ट, ऑप्शन द पैसेंजर कार सेल्स शोड अ डिक्लाइन 7% टू 5.6% फ्रॉम फॉर ऑफ टू, ठीक है, आपका जो यूजर नेम है वो मेरे को बता दीजिए तो मैं टीम को इन्फॉर्म कर दूंगा, आप भी एक बार दो बार कॉल ट्राई कर लीजिएगा तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, मैं भी उनको ही बोलूंगा, आप भी उनको ही बोलेंगे।
फ्ली फ्लीड फ्लीड होता है चंद्रिका कुमारी जी, फ्ली एफ डबल ई एफ एल डबल ई एफ एल ई डी और एफ एल ई डी। डेकलाइन के साथ कौन सा प्रेपोजिशन यूज करने वाले हैं, और डेकलाइन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, या तो ऐसे समझ लो कि भाई फ्रॉम और टू का पेयर बनता है, या याद रखो कि डेकलाइन के साथ हम फ्रॉम का यूज करते हैं, फ्रॉम और टू का पेयर बनता है, या फिर याद रखो डेकलाइन के साथ फ्रॉम आता है। नेक्स्ट, His words were hardly with the screaming and shouting in the market. Legible, illegible, intelligible, or none of these. ठीक है, मैं बोल दूंगा, बस आप थोड़ा सा पेशेंस रखना बस। डेक्लाइन के साथ इन वाला भी ऑप्शन दे देंगे, टेंशन मत लो। हिज वर्ड्स आर हार्डली विद द स्क्रीमिंग दैट स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग इन द मार्केट। मुझे नहीं लगता कि यहां पर किसी वर्ड की जरूरत है, किसी शब्द की जरूरत लग रही है आपको? मुझे तो नहीं लग रहा। हिज वर्ड्स आर हार्डली विद द स्क्रीम विद दैट स्क्रीमिंग Legible, illegible, intelligible, क्या यूज करेंगे? Illegible, सही है, बड़ी मुश्किल से हम लोग उसको सुन पा रहे थे। ये कर सकते हैं, सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। Illegible, his words were hardly with that screaming and shouting in the market. Next. She was angry to speak to me. वर्ड आना चाहिए क्योंकि प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन को तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। तो ही वॉज, ये तो टू और टू का पेयर है, ये तो टू और टू के पेयर पे ही काम करेगा। नेक्स्ट, आई विश आई अ पेन। ये कौन विश करता है, ऐसी विश किसकी होती है भाई? ऐसी भी विश होती है किसी की? है तो हम क्या करें, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। हाइपोथेटिकल, या हम कह सकते हैं कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है ये? इमेजिनरी सेंटेंस है। नेक्स्ट, लुक आफ्टर योर हेल्थ, You should repent later on, as because till lest. अपना सेहत का ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े और फिर वो वाली कहावत बोलते घूमो, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? Look after your health, you should repent later on. तो इसमें तो हमने हिंदी मीनिंग बोल ही दिया था, क्या जाएगा? Lest, lest बोले तो कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि। Next,
मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. एवरी ईयर मिलियंस ऑफ टूरिस्ट द एना सिनेट्री लाइब्रेरी इन चेन्नई विजिटिंग विजिट आर विजिटिंग और विजिटेड. लिस्ट के साथ नेगेटिव वर्ड नहीं आता है. कोई नेगेटिव वर्ड था क्या? मैंने देखा नहीं. नहीं था. नेगेटिव वर्ड नहीं आता क्योंकि लिस्ट अपने आप में नेगेटिव होता है. लिस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि ना. Every year, millions of tourists are कर रहे हैं, करते रहते हैं या करते हैं. ये तो फैक्ट बताया ना इन्होंने. ये तो इन्होंने एक फैक्ट बताया है. और फैक्ट के लिए किसका यूज करते हैं? The new general manager was able to break the labor management. अरे वो तो फैक्ट बता रहा है ना, तो फैक्ट के लिए तो सही है. एवरी, अगर एवरी डे एवरी मंथ एवरी ईयर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिटी तो यूज करते हैं. छोटा सा कॉन्सेप्ट था भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट था. The new general manager was able to break the labor management. जो आपस में उलझन थी, परेशानी थी, उसे तोड़ने में वो सक्षम है. उसे तोड़ने में वो, उसके अंदर योग्यता है, उसको तोड़ सकता है वो. ठीक है, चलो फिर अभी इतना रखते हैं. इसका पीडीएफ हम आपको दे देते हैं. पीडीएफ इसका हम दे देते हैं. पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस. पीडीएफ ले लीजिएगा इसका. पीडीएफ आपको इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा. टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा. टेलीग्राम इंग्लिश विद संजीव सर. एप्लीकेशन क्लास 24, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. ठीक है, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक हमें कमेंट्स के थ्रू दे दीजिएगा. साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. जय हिंद. Yeah.